बच्चों तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, फॉर एन इंटीजर ए बी सी, हमने थ्री इंटीजर ए बी सी लिए, तो ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, ऐसे लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे, ए इंटू बी लिखोगे, फिर ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पे लिखोगे आप, फिर ए मल्टीप्लाई सी के साथ है, फिर ए मल्टीप्लाई सी करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ए की वैल्यू मैंने 1 ली, बी मैंने 3 लिया, सी मैंने 5 लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इसमें वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। अब देखो इसमें 5 और 3 कितने होते हैं, 8, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे ही आप इस साइड को भी सॉल्व करके देख लेंगे, दोनों का आंसर सेम मिलेगा आपको। ए मल्टीप्लाई बी यानी 1 मल्टीप्लाई 3, ए मल्टीप्लाई सी यानी 1 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5, और 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आगे है फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, फॉर एवरी इंटीजर ए, कोई इंटीजर ए लिया, जैसे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 ली, तो ए का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे या 1 का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो बैक आपको ए ही देगा वो। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मैंने 4 ली, तो 4 मल्टीप्लाई 1 करूँगी तो भी 4 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 4 करके देखती हूँ मैं इसके प्लेस पे तो भी मेरा 4 आएगा। तो इसका मतलब 1 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो बैक आपका वो इंटीजर बैक आ जाएगा जो आपने यहाँ पे लिया था, यानी जैसे ए लिया था तो ए आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आगे है नंबर 6 पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज़ द नंबर 1 अपॉन ए। बच्चे कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर आप ए लेते हो तो उसका जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है वो 1 अपॉन ए होता है, यानी उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर 3 लिया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन 3, ऐसे लेना है आपको। तो ए इंटू 1 अपॉन ए यानी एक इंटीजर और उसका इन्वर्स, और फिर 1 अपॉन ए इंटू ए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। कैसे आएगा, देखो ए के साथ ए कट जाएगा, 1 आ गया, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 6 ली, तो 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 6, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 इसके प्लेस पे पुट करके दिखा रही हूँ, और 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई ए यानी 6, इसको सॉल्व करोगे तो भी 1 आएगा। अब इसको आप काट के देखोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल से करा है, मतलब इसी चीज़ को एग्जाम्पल में करके दिखाया है। आगे है 7th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का क्या मतलब है यहाँ पर, कि फॉर एवरी इंटीजर ए, मान लो कोई इंटीजर मैंने ए लिया तो ए का मल्टीप्लाई जीरो जीरो से करने पर 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई ए से कर लो या ए का मल्टीप्लाई 0 से करो, आंसर विल बी 0। इसका मतलब आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर, जैसे मैंने 3 ले लिया, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो भी 0 आना है, और 0 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो भी 0 आएगा। और वैसे भी आप समझ सकते हो, आप जानते ही हो कि 0 का किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा आंसर 0 ही आता है, ठीक है बच्चों। तो आगे आगे है हमारा नंबर 4 पे एडिशन ऑफ, मतलब कि ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के अंडर करवा रही थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो अब मैं आपको नेक्स्ट, मतलब 4th नंबर पे अगला जो हेडिंग कंसेप्ट बन रहा है वो बता रही हूँ, फिर 5th कंसेप्ट बताऊँगी, ठीक है। टोटल मतलब ये आपके 7 कंसेप्ट तक हैं, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये सब कुछ बच्चों आपको कॉपी में लिखना भी है, जितना भी वीडियोस में मैं आपको डिफाइन भेजती हूँ, डेफिनेशन भेजती हूँ, पूरा का पूरा कॉपी में लिखना है आपको। एडिशन ऑफ इंटीजर, अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है, रूल 1 फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, दो रूल है। व्हेन टू इंटीजर्स हैव द सेम साइन, देखो जब दो इंटीजर के सेम साइन होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हों, बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का साइन बना के वी ई, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और माइनस का साइन बना के वी ई लिखोगे तो नेगेटिव बोलते हैं। तो या तो दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो,